आज मैं आपको लेडीज पेंट बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत सरल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को खोल लेंगे, कपड़े को मैंने फैला लिया है। पेंट बनाने के लिए हमें 5 नाप लेनी होती है। पहली होती है हमारी रेडी लेंथ, यानी जो हमारी कंप्लीट लेंथ है वो। दूसरी होती है कमर की गोलाई। तीसरी नाप होती है हिप नाप। चौथी नाप हम घुटने की लेते हैं। और 5वीं नाप रहेगी हमारी नीचे मोहरी। तो इन 5 नापों से हम पेंट कटिंग करते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहां से हम इसकी कटिंग कर देंगे। 2 इंची पर आर्क करेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए रहेगा। 2 इंची हम ऊपर के लिए छोड़ेंगे। इस लाइन को भी हम सीधी कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे भी सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे कमर का नाप। तो कमर का नाप हम हिप के नाप से लगाएंगे। तो यहाँ पे इस पेंट की हिप मैंने 36 इंच है, तो 36 का चौथा ही भाग हो गया 9 इंची। ये 9 इंची और 1 इंची हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4th बार 9 इंची। 1 इंची की हम इसमें लूजिंग लेंगे। ये हम बना रहे हैं फ्रंट वाल। फ्रंट वाल में मार्जिन नहीं लेते, बैक पार्ट में हमें मार्जिन लेना होता है पेंट में। तो यहाँ पर हम 1 इंची का ही लूजिंग रखेंगे। इसके बाद हम आसन की साइज का नाप लगाएंगे। आसन की साइज हम हिप साइज के 4th भाग लेंगे और 1.5 इंची हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है। हमारा आसन 36 है, तो 4th भाग हमारा यहाँ पर 9.5 इंची हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये हमारा 9 हो गया और 1.5 इंची हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम इसे सीधा कर देंगे। अब हम लेंगे आसन की गुलाई। तो यहाँ हमें 2.5 इंची बढ़ाना है। तो ये हो गया हमारा 2.5 इंची आसन की गुलाई के लिए बढ़ाएंगे। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पर मैंने 34 इंच रखी है, मार्क कर देंगे। 2 इंच हम इसकी फोल्डिंग लेंगे, इन लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसमें क्रॉच की गोलाई देंगे, आसन की गोलाई देंगे। और यहां से यहां तक की दूरी नापेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से इसका सेंटर पॉइंट यहां पर 6.5 आया है। अब हमें बॉटम राउंड लेना है। तो बॉटम यहां पर मैंने 6 इंच रखा है। तो हमें 6 का आधा 3 इंच होता है, 3 इधर रखेंगे, 3 इधर रखेंगे हम। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहां से और इस वाले निशान मिला देंगे और इस वाले निशान को हम इस पर मिला देंगे। तो सेफ स्केल से हम इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। तो अब इधर की सेफ देने के लिए हमें स्केल इस तरीके से पलट लेना है और इस निशान से इस निशान पर मिला देंगे। तो फ्रंट भाग की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। ये हमारे 2 पार्ट रहेंगे। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो अभी हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। इधर हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसी हमारी ये मार्किंग है सेम वही मार्किंग करेंगे। जिधर हमारा आसन है वहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। और ऊपर की साइड हमें फ्रंट से बैक पार्ट के लिए हमें 2 इंची और एक्स्ट्रा लेना है। बैक पार्ट में हम ऊपर की साइड 2 इंची बढ़ाकर लेंगे और इधर हम बढ़ाएंगे आसन में हम 2 इंची और बढ़ाएंगे। इसे हम यहाँ बढ़ा देंगे। अब ऊपर की तरफ भी हम 2 इंच बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर भी हमें 2 इंच बढ़ाना है। तो 2 इंच पर हम मार्क करेंगे और नीचे मोहरी तक हमें 2 इंच बढ़ाना है और नीचे तक मार्क करेंगे। इधर वाली साइड में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। और बॉटम में भी सेम मार्क लगाएंगे। जो कमर वाली साइड है उसे भी हम इस तरीके से यहाँ इसे तिरछा कर देंगे, यानी पीछे से हम पूरी नाप ले लेंगे और इसको यहाँ तिरछा मिला देंगे।
इस तरीके से जो ऊपर की वाली एक्स्ट्रा 2 इंच लिए है हमने, उसे हम यहाँ पर तिरछा जोड़ देंगे। तो इतना ही हमें चेंज करना है। क्रॉच वाली साइड में हमें 2-2 इंच बढ़ाना है, बॉटम में हमें बराबर रखना है, ऊपर की साइड हमें 2 इंच बढ़ाना है और इसे तिरछा जॉइंट कर देना है। इसी तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट की, और जैसे जैसे हमने मार्किंग करी है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस वाली मार्किंग को और कर देते हैं। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और जैसे मार्किंग किए वैसे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के 2 पीस हैं। ये हमारा फ्रंट भाग है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम सीधे से सीधा मिला लेंगे दोनों के और आसन को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमने आसन में सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ओपन करके रखेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट रखेंगे। सेंटर वाली सिलाई को यहाँ से मिला लेंगे और नीचे तक हम बॉटम तक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सेंटर वाली सिलाई को लगा लिया है। अब हम साइड वाली सिलाई को लगाएंगे। तो जो हमारा बॉटम भाग है वहां पर हम नीचे के फोल्ड वाले को छोड़ के उसके ऊपर से हम इसमें 5 इंची पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हम ओपन रखेंगे, नीचे वाले फोल्डेड को कपड़े को छोड़ के 5 इंची पर मार्क लगाएंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से लगा लेंगे। अब हमें साइड वाली सिलाई करनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे किनारी को मिलाते हुए यहाँ से जहाँ से हमने 5 इंची छोड़ा है वहाँ पर हम खुला छोड़ देंगे। यहाँ से आधा आधा इंची पे सिलाई लगाएंगे, ठीक ऊपर कमर तक सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमने साइड में सिल लिया है, यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया है। अब हम इसे इस तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ से नीचे की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई को जैसे हम कुर्ती में चाक बनाते हैं वैसे ही हमें फोल्ड करेंगे चाक बनाते हुए। उसके बाद में नीचे हम जो 2 इंची का हमने बॉटम छोड़ा था उसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए नीचे मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है और मोहरी को भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से बटन लगा देंगे। अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक ली है, 1 इंची साइज की इलास्टिक है और जो हमारी कमर है उससे 3 इंची छोटी इलास्टिक ले लेंगे हम। तो अब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। 2 इंची जितना हमने मार्जिन लगाया था वहां से हम इसे फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम बिल्कुल बराबर में फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट है हमारा वहां पर थोड़ा हमारा बड़ा रहेगा फोल्डेड करते समय। इसी तरीके से हम इसे प्रेस से सेट कर लेंगे। तो हमें आधा आधा इंची की दूरी में इस तरीके से इसे सिलाई लगा लेनी है और थोड़ा सा हमें ओपन रखना है बेल इलास्टिक डालने के लिए। तो पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। पीछे वाला एरिया हमारा बढ़ के ही आ रहा है तो इसे भी हमें इस तरीके से छोटी सी प्लेट डाल के और बराबर से कर लेना है। इनकी सहायता से इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से हम इलास्टिक डाल लेंगे। इस तरीके से हम इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक के दोनों किनारों को मिलाकर इस पर स्टिच लगा देंगे और जो हमारा ओपन एरिया रहा है यहाँ पर उसे भी हम स्टिच कर देंगे। इसी तरह ये बनके कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने बटन को अटैच कर दिया है और देखिए यहाँ पे बेल्ट को बना लिया है ये इलास्टिक लगा के। अब ये पूरी तरह कंप्लीट है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसे बनाना आप सीख गए होंगे। तो आप भी बना के ट्राई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।